नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। वो मुद्दा है, वो विषय है बिहार और जगजीवन राम से अंबेडकर साहब का रिश्ता। इस सिलसिले में दो मिथ का प्रचार किया गया है। एक तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर 1951 में पहली और आखिरी बार वो पटना आए, उसके पहले वो नहीं आए थे। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम जी के बारे में एक मिथ का प्रचार रहता है कि कांग्रेस के थे जगजीवन राम, तो उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ इनको खड़ा किया। तो क्या ऐतिहासिक रूप से ये बात सत्य है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या शुरू से अंबेडकर साहब के साथ उनके रिश्ते ऐसे ही थे, इसकी पड़ताल जरूरी है। इसी दो मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको ये बात पता है कि सेकंड राउंड टेबल, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म करने के बाद 15 जनवरी 1932 को इंग्लैंड से अंबेडकर चलते हैं मुंबई के लिए और 29 तारीख को मुंबई पहुंचते हैं। उस समय तक लॉर्ड लुथियन के अध्यक्षता में एक फ्रेंचाइजीज कमेटी बनी थी, जिसका काम था कि मताधिकार का क्या आधार हो, उसके कंडीशन क्या हो। तो ये लुथियन के अध्यक्षता में बनी थी। तो अंबेडकर जब लौट कर आए, तो आने के साथ ही अंबेडकर साहब ने जो क्वेश्चनायर तैयार किया गया था लुथियन कमेटी के द्वारा, उसका आंसर तैयार करके बहुत सारे डिप्रेस क्लास के संगठन और व्यक्तियों को उन्होंने भेजा। और उसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में ही वो लुथियन कमेटी के प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। जब वो मुंबई से चले तो जगह जगह उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजन किया गया, भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वहां से लखनऊ होते हुए वो पटना पहुंचे और पटना से फिर वो कलकत्ता के लिए वहां से रवाना हुए। तो हर जगह डिप्रेस क्लास के लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट पे, पृथक निर्वाचन पे अंबेडकर साहब की मांग का समर्थन किया। और उन्होंने कहा, बिहार में भी लोगों ने कहा कि अगर पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा तो जो लोग चुनकर आएंगे वो लोग जो है वो अपर कास्ट के पपेट बनकर आएंगे और दलितों की हिस्सेदारी, उनकी सुनिश्चित शेड्यूल कास्ट के जो हक है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसी सिलसिले में वो पहुंचे पटना। और पटना, इसका प्रमाण ये है कि आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग, डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स इंग्लिश का वॉल्यूम 17 पार्ट ए पेज नंबर 127। वहां पे उन्होंने 13 फरवरी 1932 को मुंबई के एमएलसी और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी ए गवई को एक लंबा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बहुत आक्रामक पत्र लिखा था, क्योंकि उस समय जो एमसी राजा थे वो अपना स्टैंड बदल रहे थे और सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की संयुक्त निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो ये बहुत ही, इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये पहला प्रमाण है कि 1932 में डॉक्टर अंबेडकर वहां गए थे। तो इसलिए जो ये धारणा बनी है कि 1951 में पहली और आखिरी बार गए हैं, वो धारणा गलत है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पहले भी जा चुके थे। ये नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरा मुद्दा है कि लोग समझते हैं कि जगजीवन बाबू और अंबेडकर साहब के रिश्ते खराब रहे शुरू से, ये भी ऐतिहासिक रूप से ये बात गलत है। और इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा कि कुछ मुद्दे पे उनके बाद में मतभेद हुए कैबिनेट मिशन के आने के बाद, वो मुद्दा हम सेपरेटली उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चिट्ठी है 1937 का, 8 मार्च 1937 का एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी है जो बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा था। और उस समय वो जगजीवन राम बिहार जो स्टेट है उसके प्रोविंशियल डिप्रेस क्लासेस लीग के प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने चिट्ठी लिखा था। और इससे, इस पत्र से यह जाहिर होता है कि अंबेडकर साहब और जगजीवन बाबू के बीच में पत्र व्यवहार लगातार होते थे। यह अशोध का विषय है, कोई भी भविष्य में जो शोधार्थी होंगे वो कागज की पड़ताल करेंगे कि कितने पत्राचार कोरेस्पोंडेंस एक दूसरे से हुए। जो उन्होंने पत्र में लिखा कंटेंट क्या क्या था वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे और उसके बाद उसकी समीक्षा भी करेंगे। वो लिखते हैं बाबू जगजीवन राम कि 3 फरवरी 1932 को आपका पत्र मिला। यदि आपके पास कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की यहां शायद बात हो रही है, कास्ट की प्रति हो तो कृपया भेजे, जिससे कि मैं उसके अनुवाद करने का, उससे जो ट्रांसलेशन करने का जो काम है मैं पूरा कर सकूं।
उन्होंने कहा, आगे लिखा कि जैसा कि आपने इच्छा जाहिर की है कि मैं उन उम्मीदवारों की लिस्ट का नाम भेजू जिन्होंने चुनाव लड़ा है, अकॉर्डिंगली मैं वो लिस्ट आपको भेज रहा हूं। आपको याद होगा कि 1937 में एक जनरल इलेक्शन हुआ था जिसमें बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी थी और श्री कृष्ण सिंह उस समय मुख्यमंत्री बने थे और डिप्रेस क्लास के कोटा पे जगदेव लाल चौधरी जहां तक मुझे याद है वो वहां मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट, जगजीवन बाबू ने अपने चिट्ठी में स्पष्ट स्वीकार किया कि कांग्रेस से हमने समझौता किया है और 9 हमारे जो कैंडिडेट है वो जीते हैं। सो उम्मीदवारों ने लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग और कांग्रेस के दोनों के जो शपथ पत्र है उस पर साझा किया है विद सर्टेन रिजर्वेशन, कुछ इफ एंड बट के साथ उस पर साझा किया है। उन्होंने कहा आगे कि आप जानते हैं, शायद आप जानते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर बिहार में कोई भी ऐसा संगठित दल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है। आगे कहा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी थी उसके मंत्री सर गणेश दत्त सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। सो इसलिए जल्दीबाजी में 11th आवर कहते हैं कि नॉमिनेशन 3 नवंबर तक था, नॉमिनेशन 3 नवंबर 1936 तक नॉमिनेशन करना था, इसलिए अंतिम क्षण में 29/10/1936 को कांग्रेस से हमें समझौता करना पड़ा कि डिप्रेस क्लास के प्रेसिडेंट जगजीवन बाबू थे और कांग्रेस अलग अलग थी, दोनों ने मिलकर समझौता किया और मिलकर तब वो चुनाव लड़े। ये ऐतिहासिक रूप से ये सत्य है। उन्होंने आगे लिखा कि बहुत ही ईमानदार चिट्ठी है ये, उन्होंने आगे लिखा कि हमारे यहाँ डिप्रेस क्लासेस का आंदोलन बहुत लेट शुरू हुआ है और संगठन के नाम पे जो कुछ भी है वो बहुत कम है, बहुत कमजोर है, लेकिन हाल के चुनाव में हमें जो अनुभव हुआ है उससे लगता है कि यदि हम 5 साल तक हम लोग मिलकर काम करेंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं और हमें सफलता भी मिल सकती है। ये जगजीवन राम लिख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर को 1937 में। उसके बाद आगे लिखते हैं कि अम्बेडकर साहब को लिखते हैं कि आप इलाहाबाद वाले बलदेव प्रसाद जायसवाल को जानते हैं, वो पटना आए हैं और यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया है बलदेव प्रसाद ने कि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता दीवान बहादुर श्रीनिवासन करेंगे और आप, मतलब अम्बेडकर, आप उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। न तो ये मैं सच्चाई को जानता हूं और न ही मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकता हूं, ये जगजीवन बाबू लिख रहे हैं। सो पिछले वर्ष लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था और जायसवाल इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु थे, सेंट्रल पॉइंट जायसवाल कार्यक्रम के थे, डिप्रेस क्लासेस का वहां मीटिंग हुई थी लखनऊ में। वो लिखते हैं कि मैं इस उम्मीद से लखनऊ गया था, आई वेंट ऑल द वे फ्रॉम पटना टू लखनऊ कि आपसे वहां मुलाकात होगी, लेकिन मुझे शायद निराशा ही लगी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जब अब जायसवाल जब पटना आए हैं तो वो मुझसे सहायता चाहते हैं, लेकिन मैं खुलकर सहायता, ओपनली इनको मदद, हेल्प नहीं कर सकता, और यदि आप नहीं आएंगे पटना कार्यक्रम में, आप नहीं आएंगे तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जगजीवन बाबू अम्बेडकर साहब को लिख रहे हैं कि अगर जायसवाल के कार्यक्रम में आप नहीं आएंगे तो मैं जायसवाल की कोई मदद नहीं करूंगा। जायसवाल ने 9 से 11 अप्रैल तक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था। तो ये लिखते हैं कि बिहार का कोई भी व्यक्ति इसके साथ नहीं है और इन्होंने कैथोलिक चर्च के पास अपना ऑफिस खोला है और इनके कार्यक्रम का जो देखभाल करना है, सारी एक्टिविटीज जो मॉनिटर करना है वो ईसाई मिशनरी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिप्रेस क्लासेस लीग हैं इसके वर्किंग कमिटी ने 15 अप्रैल से 15 मई के बीच डिप्रेस क्लास का कॉन्फ्रेंस करने और आपको बुलाने का, आपको इनवाइट करने का निर्णय लिया है। यदि आप जायसवाल के कार्यक्रम में आएंगे 9 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में, यदि आप जायसवाल के कार्यक्रम में आएंगे तो मैं आपकी सुविधा अनुसार 12 तारीख के आसपास कार्यक्रम का आयोजन कर सकता हूं, हम लोग उसको फिक्स करेंगे डेट। फिर लिखते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सूचना देने की कृपा करें कि आप जायसवाल के कार्यक्रम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपना कार्यक्रम तय करेंगे। एक बात और बताते हैं कि लिखते हैं जगजीवन बाबू कि
एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जायसवाल के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, डिप्रेस क्लासेस के, डिप्रेस क्लासेस के 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो जिस तरह उन्होंने लखनऊ में किया था कि हजारों ईसाई और मुसलमानों को यहां बुलाया था, उसी तरह से ये पटना में भी करना चाहते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि यदि डिप्रेस क्लासेस का जो कार्यक्रम हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, डिप्रेस क्लासेस के लोग आए, इस कार्यक्रम का पक्षधर हो। ये मोटा मोटी चिट्ठी है उनका, और अगर आप इस चिट्ठी के कंटेंट को अगर देखें तो इससे लगता है कि 1937 तक जो जगजीवन बाबू और अम्बेडकर साहब के बीच आत्मीय रिश्ते थे और उनका पत्रों का आदान प्रदान होता था। एक बात तो ये स्पष्ट हो रही है इस चिट्ठी से, ये कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी है, ये कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि उस समय तक 19th सेंचुरी और अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी बिहार में जातीय सभाओं की मशरूमिंग हो रही थी और खास तौर से अपर कास्ट के जातीय संगठन बन रहे थे और बिहार की राजनीति में उनका जबरदस्त प्रभाव था। लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन थे, आप बीबी कॉलेजिएट स्कूल का नाम सुनते होंगे, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल, पहले तो भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत में एकता हुई और एकता का जो प्रयोजन था वो था कि कायस्थों को बिहार की राजनीति और सर्विसेज से कैसे बाहर किया जाए। एक अगली स्टोरी है, एक दूसरी स्टोरी है जिससे बाद में कभी चर्चा होगी। लेकिन आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो दुसाद वंशीय महासभा 1891 में बन चुकी थी। गोप महासभा मधेपुरा, हमारे मित्र हैं सूरज जी, उनके परदादा साहब थे वहां पे, जमींदारी उनकी थी। गोप महासभा 1911 में बन चुकी थी। त्रिवेणी संघ 30 के दशक में, 33 के आसपास त्रिवेणी संघ बन चुका था। तो अगर आप महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से तुलना करेंगे तो बिहार में जो दलित, जो डिप्रेस क्लासेस या अनटचेबल्स या बैकवर्ड क्लासेस, इनका जो पूरा मूवमेंट था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो आंदोलन था, वो कम था। इसको जगजीवन बाबू ने स्वीकार किया उस चिट्ठी में। इसीलिए जब आप बाइनरी में देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर को और जगजीवन राम को, तो ये ऐतिहासिक रूप से ये इंसाफ नहीं, जजमेंट इसमें इंसाफ नहीं होगा। तो एक प्रोसेस में देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा शोध करने की जरूरत है। बाद में देखेंगे 37 के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और कैबिनेट मिशन के सामने जब जगजीवन बाबू का जो विटनेस होता है या फिर अंबेडकर साहब का जो ओपिनियन है, बाद में डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन ये बार बार कहना कि नहीं, इनके कांग्रेस ने इनको खड़ा किया, इनके खिलाफ मोबिलाइज किया, हिस्टोरिकली फैक्चुअली ये करेक्ट नहीं है। ये बात 1937 के उनके पत्र से लगता था, वो चाहते थे। लेकिन इसके बाद क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, अम्बेडकर साहब ने क्या जवाब दिया, कैसे हुआ, ये अलग पड़ताल का विषय है। फिलहाल हमारे पास अभी इतनी ही सूचना है और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शुरुआती दिनों में दोनों के आत्मीय रिश्ते थे, पत्रों का आदान प्रदान होता था। इसलिए भविष्य के शोधार्थियों से अपील भी है कि बिहार स्टेट आर्काइव या जगजीवन बाबू फाउंडेशन जो यहाँ दिल्ली में बना हुआ है, जगजीवन राम फाउंडेशन, वहां जाएं और बिहार में भी एक उनके नाम पे संस्था चल रही है, उनके घर परिवार वालों से मिले और जितना चिट्ठी पत्री कागज उनके उनसे संबंधित है वो कागज लेकर आए और इस पूरे विमर्श को आगे बढ़ाया जाए। अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। फिलहाल आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल जरूर दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो आए वो जल्दी से जल्दी आपको सूचना, तुरंत अविलंब सूचना मिल जाए। शुक्रिया साथियों, जय भीम, शुक्रिया, थैंक यू। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।